हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपके लिए एक और स्पेशल पॉडकास्ट लेके आया हूँ बी मॉड्यूलर के लिए। काफी लोग बोल रहे थे कि सर किसी कंपनी में जो काफी दिन से काम कर रहे हैं उनके साथ पॉडकास्ट करिए। तो अभी मेरे एक स्टूडेंट है अफगान, काफी अच्छे हैं, काफी टैलेंटेड हैं और काफी दिन से इन्होंने काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में किस तरीके से अपने आप को स्विच किए, ये भी आपको इनसे सीखने को मिलेगा। इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका है बीम में और एक एमएनसी के अंदर ये काम करें जो कि पुणे में बहुत ही अच्छे। तो मैं चाहूंगा सारा कुछ अफगानी हम लोग से शेयर करें। अफगान, पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है अफगान, थैंक यू थोड़ा सर। सा अफगान थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे तो इट इज इजी फॉर देम कि वो समझ सके कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। सही सर। सर हाँ मेरा नाम अफगन है और मैं सांगली से हूँ। सांगली एक महाराष्ट्र की छोटी सी सिटी है और मेरा जो पास आउट ईयर है वो 21 का है। तो मैं जब से 21 में पास आउट हुआ तो मैंने बहुत सारे ऐसा प्रोफाइल्स देख रहा था कि सिविल के लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट रहेगी। तो फिर मैंने खुद को देखा कि मैं कौन सी प्रोफाइल में सूट होता हूँ। तो फिर उसके हिसाब से मैंने ऑफिस वर्क चूज कर लिया। तो फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए और जो मैंने पहले 3 इंटरव्यूज दिए उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो जो मेरा फोर्थ इंटरव्यू था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वो पुणे की कंपनी थी, छोटी थी कंपनी लेकिन वो स्ट्रक्चरल डिजाइन की थी। तो फिर वहां पर मुझे एज अ कैट डिटेलर करके जॉब डिटेलर, मिल गया। हाँ वही मैं सोचा, तो डिटेलर वहाँ का जॉब के बारे में। यस करेक्ट, सर। हाँ सो फिर वहां से मेरी प्रोफाइल स्टार्ट हो गई क्या सिविल में। तो फिर मैं वहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया वो छोटे कंपनी में। वहां पर कैट डिटेलर करके काम करता था। तो फिर वो 1 साल में बहुत सारी सर चीजें मैंने सीख ली। तो फिर वहां से मैंने अप्लाई कर दिया एमएनसी कंपनी में। तो फिर अभी मैं जो प्रोफाइल पर जॉब कर रहा हूँ वहां पर मैंने एज अ कैड पर 6 महीने या 7 महीने के लिए काम कर दिया। कैड पर ही था। तो फिर वहां से मैंने रेविट पर जंप ले लिया। तो फिर एज उसी कंपनी अभी में, एज करंट नाउ, हाँ उसी उसी कंपनी कंपनी में सर, में। ओके ग्रेट, बहुत बड़ा। उसी कंपनी में। अच्छा मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर सपोज अब उनको बीम पे जॉब नहीं मिल रही है तो अच्छा रहता है कि अगर वो स्ट्रक्चरल डिटेलर की प्रोफाइल पर जॉब करें। मॉड्यूलर डेफिनेटली वो ड्राफ्टमैन की प्रोफाइल भले ही रहो पर लर्निंग बहुत मिलती है उसमें। तो तुम्हारा क्या हाँ मानना है सर इस पर? बिल्कुल लर्निंग, हाँ सर बिल्कुल लर्निंग बहुत मिलती है। जैसा कि अगर समझो हमें स्ट्रक्चर की जॉब चाहिए तो जॉब के लिए सर ऐसा नहीं कि उसको ओवरऑल सभी आना चाहिए, लेकिन उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी है सर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस लाइक अगर वो स्ट्रक्चरल की प्रोफाइल में जा रहा है तो स्ट्रक्चरल की प्रोफाइल के लिए उसको डिटेलिंग के, बीम डिटेलिंग के बारे में जानना चाहिए। स्लैब का डिटेलिंग कैसा होता है वो जानना चाहिए। कॉलम का डिटेलिंग उसको जानना चाहिए। उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक कवर पता होने चाहिए बंदे को। अगर कंटिन्यूस बीम रहा, स्टॉप बीम रहा तो उसके जो कट स्टील्स हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका हर एक का फॉर्मूला रहता है L/3, L/4। तो उसको सब बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। तो फिर ये सब हम चीज कैड से स्टार्ट करते हैं और कैड से ही सीखते हैं। क्योंकि जब भी कंपनी में जो ओवरऑल जितने भी कंपनियां हैं इंडिया में उनका जो ड्राइंग सबमिट होता है वो 2D का ही होता है सर। तो फिर उससे बहुत ज्यादा उनको सीखने मिलता है और 2D ड्राइंग से। और फिर मुझे लगता है अगर अगर ठीक है कोई बंदे को डायरेक्टली बीम का जॉब मिल रहा है, वो फ्रेशर बंदा है और उसको डायरेक्टली रेविट पर जॉब मिल रहा है तो बेस्ट एंड गुड, ही कैन गो विथ इट, वो जॉब कर सकता है, कोई बात नहीं। अगर उसको नहीं मिल रहा तो फिर वो मुझे लगता है कि अगर 2D का कैड का भी जॉब मिल रहा है उसको, डिटेलिंग का, स्ट्रक्चर का, तो फिर वो उससे स्टार्ट कर सकता है नहीं ले करियर। उसको सकता बहुत है, बेनिफिट होगा आगे जाके। सही बोल रहे हो। और ये इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को पहले जैसे जब लोग स्टार्टिंग जॉब जब क्लियर करते हैं उनको एलडी नहीं पता है, डेवलपमेंट लेन कैसे क्या है यही नहीं पता है, कैसे प्रोवाइड करेंगे तो बहुत दूर चला गया। उसके बाद जैसे क्रैंक है तो क्रैंक के बारे में नहीं पता, क्रैंक को कैसे ढालेंगे। उसके बाद उनको नहीं पता है कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार को कैसे दिखाएंगे। ये चीज़ें जो डिटेलर के रूप में क्लियर होती हैं काफ़ी मुझे तो बेहतरीन लगती है। अच्छा अब ये बताओ तुम, जैसे कि अभी तुम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ठीक है अभी जो पीपीएस ले रहा है वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ले रहा है, राइट? तो अब जी इसमें सर। तुमने इंडिया के भी प्रोजेक्ट्स कुछ किए थे? हाँ सर इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो बहुत ऐसा कम है, तो थोड़ी है जैसा कि अलग अलग स्टेट के, वो पुणे के भी नहीं है, थोड़े हाँ बाहर के है, लेकिन है वो ऐसा बड़े है, मतलब G+ और 30, G+ 55 फ्लोर्स तक के है सर। मेनली तुम्हारा काम क्या है उस पे?
और थोड़ा सा मुझे डिफरेंस के बारे में बताना कि जो तुम इंडियन प्रोजेक्ट्स करते हो और जब बाहर के प्रोजेक्ट्स करते हो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, कुछ डिफरेंस तुम्हें लगता है तो बताओ। सर, मैं जो अभी काम करता हूँ इंडियन प्रोजेक्ट्स पर, तो फिर मुझे लगता है कि इनके जो डिटेलिंग का रहता है इंडिया का और वहाँ का जो डिटेलिंग का रहता है, थोड़ा सा फर्क है। मतलब कि हम अगर यहाँ इंडियन के बीम्स या फिर कॉलम्स देखे तो इनका फैक्टर ऑफ रेशियो जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फॉरेन के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। उन्होंने उनका डिजाइन इतने एडवांस लेवल पे लेके गए सर जो फॉरेन कंपनीज है, तो फिर उनका जो फैक्टर रहता है रेशियो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो बहुत हमसे कम है और उससे है ना बहुत इकोनॉमिकल होता है पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो फिर ये एक डिफरेंस मुझे देखने को मिला जो एमएनसी के जो बाहर के प्रोजेक्ट्स है और यहाँ के प्रोजेक्ट्स है। दूसरी बात है सर कि उनका जो पेस होता है वर्क का पेस, मतलब एक काम है अगर समझो कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हम मोस्टली फ्लोर वाइज सबमिट करते हैं जो भी प्लान्स रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर का 1 महीने दिए तो अगले महीने में हम दूसरे फ्लोर का देंगे, तो फिर ये पेस ऑफ वर्क जो रहता है वो क्वालिटी मेंटेन रहती है अगर बाहर के प्रोजेक्ट्स हो तो। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अच्छा, ऐसे जो भी जो मेरा डिफरेंस एक्सपीरियंस देखने रहा है मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए उसमें मैंने सीखा था कि जो बाहर के प्रोजेक्ट्स उसकी डिटेलिंग का जो लेवल होता है बहुत डिटेल रहता है। ठीक है, मतलब एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिखाना पड़ता है, तुरंत रिवीजन आ जाती है ड्राइंग की। ठीक है, और अपने यहाँ पर जो डिटेलिंग्स लोग करते हैं वो उतना मतलब डिटेल में नहीं रहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर डिटेलिंग्स में अगर आपका टेस्ट स्टाइल ओके नहीं है तो भी सबमिट हो जाती है ड्राइंग्स। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपने डायमेंशन भी इधर उधर किया है तो वो क्या बोलते हैं, एक तरीके से टॉलरेंस लेके ओके कर देते हैं, बट बाहर तुरंत रिवीजन आ जाती है ड्राइंग की। ये भी तुमने देखा होगा कि एक्यूरेसी लेवल जो है वो बाहर ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जब यहाँ के प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं। ये फील किया क्या तुमने? हाँ सर, बिल्कुल सर, जैसा कि देख सकते हैं कि मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ पीपीएस में, तो फिर मतलब ये पीपीएस ही नहीं, सिर्फ हर एक कंपनी क्या करती है, जो बड़ी लेवल की कंपनी है वो उनका स्टैंडर्ड्स बना लेती है सर। जैसा कि उनके टेक्स्ट का स्टैंडर्ड हो गया, उनके अभी बीम दिखाना है तो फिर उनके बीम का लेयर ही अलग होगा कुछ, तो कॉलम का लेयर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में होगा, उनकी हर एक लाइन वेल डिफाइंड होगी। अगर हम ड्राइंग देखें और किसी बंदे ने पूछा कि ये ड्राइंग क्या डिनोट करती है, तो फिर वो हर एक लाइन क्या डिनोट करती है, वो क्या स्पेसिफाई करती है और वो कौन सा मटेरियल है, ये हर एक स्पेसिफाई होता है बाहर के प्रोजेक्ट्स में। और ये अभी मोस्टली जो इंडियन कंपनीज है वो मोस्टली ये फॉलो कर रही है ट्रेंड कि वो क्या कर रही है, खुद के स्टैंडर्ड्स बना रही है। और खुद के स्टैंडर्ड्स अगर समझो वहां से प्रोजेक्ट आ गया उनको एमएनसी कंपनी का या फिर बाहर मल्टीनेशनल कोई एप का प्रोजेक्ट आ गया, तो फिर वो क्या करती है, उनके प्रोजेक्ट को अपने स्टैंडर्ड्स में ले लेती है और अपने स्टैंडर्ड्स और अपने प्रोजेक्ट्स के टेम्पलेट्स में बिठा के उनको प्रोजेक्ट दिखाती है। अगर वो एमएनसी कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं हमको हमारे स्टैंडर्ड्स ही चाहिए, हमको डिटेलिंग ऐसे ही चाहिए, तो फिर वो हर एक जो कंपनी रहती है उनके हिसाब से उनको बना के देना पड़ता है सर। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर थोड़ा सा उनको स्पेशल टेम्पलेट्स बनाने पड़ जाते हैं उनके लिए। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि अभी हम हाँ लोग सर, बिल्कुल सर। मान लो कोई एक फ्रेशर लड़का है, और जैसे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस जो मुझे याद है लगभग तुम्हारा 2 साल होने वाला है, पूरा एक्सपीरियंस मिला के लगभग 2 साल होने वाला है ना? राइट सर, ठीक है, और मेरा एक अंदाज है हाँ कि सर, तुम्हारा जो पैकेज है वो 3 लाख के ऊपर ही है। ठीक है, वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है, पूछना उचित भी नहीं होता है, बट हाँ उसके ऊपर है, ये मुझे कन्फर्म है। और क्या बोलते हैं, दूसरी चीज मुझे ये जानना है कि जैसे कोई अगर अभी एंट्री कर रहा है जॉब के अंदर, ठीक है, बीम के अंदर, जैसे तुमने तो चलो पहले कैट से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अपना स्विच करते करते यहाँ पहुँचे हो, अब सही जगह पे पहुँचे हो एक्चुअली में, हाँ ये मेरा ही सर, तो मानना ही है। अब ये हाँ बताओ सर, कि जैसे कि कोई फ्रेशर है तो उसे क्या क्या सीखना चाहिए, अगर बीम में उसको वर्क करना है तो क्या क्या उसको एटलीस्ट आना चाहिए तुम्हारे पर्सपेक्टिव से? सर जब भी मुझे लगता है कि अगर ये जो ये है, मतलब जो हम नॉलेज गेन करते हैं सर, ये बंदे को कॉलेज के टाइम से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कि समझो कि वो अगर सेकेंड ईयर में रहा, थर्ड बंदे को एक्चुअल से उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर जब ये कॉलेज लाइफ में जीता रहता है तो फिर मुझे लगता है कि बाकी के जो बच्चे लोग टाइम पास करते हैं वगैरह, तो उससे अच्छा कि वो सॉफ्टवेयर सीखे सबसे पहले। मतलब जब तक वो अपनी बीई कंप्लीट करता है तब तक उसको
बीम, उसका अगर बीम में करियर बनाना है तो एटलीस्ट उसको रेविट आना चाहिए, उसको नेविस आना चाहिए, उसको कैड आना चाहिए, ये तीन चीजें उसको आनी चाहिए। और जो हम कॉलेज में टेक्निकल स्टडीज करते हैं तो फिर हर एक टेक्निकल स्टडीज का उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सर। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर हुए तभी वो कुछ बना पाएगा सॉफ्टवेयर पे। तो फिर कंसेप्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूज में मोस्ट ऑफ ऑल एक तो सॉफ्टवेयर के ऊपर रहती है टेस्ट, और कंसेप्ट के ऊपर रहती है। उसकी पहले क्या, उसकी अगर टूल टेस्ट ली जाएगी जब भी वो कोई कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने जाएगा, तभी अगर वो टूल टेस्ट में पास होगा तो फिर उसके कॉन्सेप्ट चेक करे जाएंगे। तो फिर ये दो चीजें हैं जो हमें बहुत सारी ध्यान में रखनी चाहिए। तो फिर सही बंदे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको कॉलेज के साथ साथ सॉफ्टवेयर सीखने और उसको कॉन्सेप्ट भी कर चुका हो, और अब भी उसको बीम में करियर बनाना है। तो फिर मैं चाहूंगा कि उसको अगर बीम में करियर बनाना है तो फिर उसको कैड, उसको रेविट और नेविस, ये तीन सॉफ्टवेयर तो बेसिक है, उसको आनी ही चाहिए। अगर उसको स्ट्रक्चर में या फिर एमईपी में या फिर उसको आर्किटेक्चर में करियर बनाना हो तो अभी जो कैड का जो काम रहता है सर, वो सब कंपनी में म्यूचुअल देखने को मिलता है। मतलब इन द सेंस कोई भी प्रोजेक्ट हो तो फिर उसका कैड पर उसको आना ही आना है काम। और अगर वो उसके कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो कि उसको क्लासेस भी चेक करने, अगर बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट हो उस पर, जैसे कि समझो कोई इंडस्ट्रियल शेड है, तो फिर इंडस्ट्रियल शेड में हम सर 2D पर उतना इमेजिन नहीं कर सकते कि जितना हम 3D पर इमेजिन करते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन हम बहुत वहाँ पर जरूरी है। स्ट्रक्चर, हाँ सर, तो फिर वहाँ पर हमें बहुत मतलब क्लासेस वगैरह चेक करने के लिए नेविस बहुत काम आता है। तो फिर नेविस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासेस चेक करने के लिए, कि आर्किटेक्चर की वॉल है समझो, अगर बहुत बार स्ट्रक्चरल वॉल दे देता है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो रहता है वो वहीं पर कॉलम दे देता है, तो फिर ये 2D पर पॉसिबल नहीं हो सकता। ये नेविस पर विजुअलाइज अच्छे से होता है, रेविट पर अच्छे से होता है, तो इसके लिए उसको ये सॉफ्टवेयर्स आनी आनी है। तो फिर जब भी वो मानो कि उसने बीई कंप्लीट कर दिया, अभी वो अप्लाई कर रहा है, तो फिर अप्लाई करते वक्त उसको ये बहुत जरूरी है कि उसका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो के लिए उसको अच्छे से कुछ तो प्लान्स बना के रखने चाहिए। अगर वो इंटरव्यू में गया तो उसको पोर्टफोलियो देख के उसका 50% जो इंटरव्यू रहता है वो क्रैक हो जाता है। तो फिर उसके जो 3D के अगर उसने मॉडल्स बनाए हो या फिर उसने कुछ 2D के प्लान बनाए हो, तो फिर वो सारे उसको उस पोर्टफोलियो में मेंशन करने उसके रिज्यूम के साथ। तो फिर वो जब भी भेजेगा रिज्यूम तो फिर वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा सर। जो फ्रेशर बंदे रहते हैं सर, वो जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर उनको सबसे पहले उनकी टेस्ट ली जाएगी, जनरल टेस्ट होगी जो सिविल के उनको कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे। तो फिर ये उनका रहता है फर्स्ट राउंड। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ सर, अभी जो कर रहा हूँ ये। अगर फ्रेशर रहा तो फिर उसकी जनरल टेस्ट लेंगे ही लेंगे सिविल के रिलेटेड। अगर उसकी फर्स्ट ये राउंड जो क्लियर होता है तो फिर उसका सेकंड राउंड रहेगा वो टूल टेस्ट रहेगा। टूल टेस्ट में अगर मानो वो कैड के लिए अप्लाई कर रहा है तो फिर उसकी कैड की टेस्ट लेने ही लेने हैं। अगर वो कैड की टेस्ट ले रहा है तो फिर उसमें उसको स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे। अगर वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में दे रहा है इंटरव्यू जानता तो हूँ। उसके स्ट्रक्चरल के बीम, कॉलम, उसकी डिटेलिंग कैसे होगी, लैपिंग कैसे होते हैं, कॉलम में लैपिंग कैसे देते हैं, उसका फॉर्मूलाज क्या होता है लैपिंग का, लैपिंग लेंथ क्या रहती है, बीम में स्टील कैसे डिटेल करते हैं, प्रोवाइड कैसे रहते हैं, मेन बार क्या रहते हैं, शॉर्टकट बार्स क्या रहते क्या रहते हैं? हैं, स्लैब में देखा जाए तो 1 वे स्लैब क्या है, 2 वे स्लैब क्या है, मेन बार 1 वे स्लैब में कैसे देते हैं, 2 वे स्लैब में कैसे देते हैं, ये उसको पूरा स्टडी पूछते हैं, और ये कंसेप्ट उसको कैड में ड्रॉ करके बताना पड़ते हैं सर। तो फिर ये होगा उसकी टूल टेस्ट, और लास्ट जो रहता है वो इंटरव्यू राउंड रहता है, फेस टू फेस इंटरव्यू। तो फिर उसमें उसको टूल के भी क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी उसको मिक्स पूछेंगे, मिक्स रहेगा। मिक्स रहेगा। तो ये होगा फ्रेशर के लिए। थोड़ा अगर सा मैं इंटरप्ट करूंगा। और जो तुम फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड बोल रहे थे, उसमें तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्या लोगों को पढ़ के जाना? तुमने सेकंड राउंड तो बता दिया कि कैट टेस्ट के लिए पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स तैयार करके जाए, थर्ड राउंड में टेक्निकल और इसको दोनों को मिक्स करके पूछेंगे। फर्स्ट राउंड जो तुम बोल रहे थे, उसमें क्या तुमको लगता है कि क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, थोड़ा बता दो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है सर, जो फर्स्ट राउंड रहेगा सर उसमें तो उसको बेसिकली अगर कंपनी बहुत बड़ी हो, मतलब मानो कि एमएनसी हो जैसे कि नील सॉफ्ट हो या फिर पीपीएस हो, और अगर इस बंदे को उस कंपनी में जाना है एज अ फ्रेशर, तो फिर वो सबसे पहले सर एक बहुत छोटी सी टेस्ट लेंगे और वो एप्टीट्यूड की टेस्ट रहेगी सर। तो फिर वो एप्टीट्यूड के टेस्ट में उसको बहुत सिंपल पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे कि हम 7th 8th स्टैंडर्ड में सीखे हैं, मैथ्स जैसे से रिलेटेड कि थोड़े छोटे। मैथ्स के रिलेटेड होंगे, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस होगा, अगर वो पाइप के होंगे ड्रेन के होंगे, और ऐसे प्रोबेबिलिटी बहुत वाला, सारे प्रोबेबिलिटी फैक्टर कौन सा पास आ किसका आ जाए। प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाले होंगे सर, हाँ, ऐसे बहुत सारे बेसिक पूछेंगे। तो ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, वो इसको जरूर पढ़ के जाए, उनके लिए फायदेमंद रहता है, इसलिए मैं तुमसे बुलवा रहा हूँ इसको। हाँ सर हाँ बिल्कुल सर सर, और इसको है ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि नहीं, ये 1 2 दिन में हो होने जाएगा। वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, और इसको जो प्रायोरिटी देती है कंपनी वो थोड़ी कम देती है, हाँ, मतलब अगर बंदे को इसमें कम भी मार्क्स आ गए। एंट्री कर देती है। हेलो। वो मोस्टली हाँ हाँ सर, ठीक, जो चलो। दूसरा हाँ, जो मैंने हाँ सर सर ये जो पहला राउंड होगा उसमें 2 टेस्ट होंगे, एक तो एप्टीट्यूड मैंने जो अभी बता दिया, और जो दूसरा होगा सर वो होगा टेक्निकल होगा थोड़ा, और वो टेक्निकल में तुम्हें एमसीक्यूज देने पड़ेंगे, और ये जो एमसीक्यूज रहते हैं सर ये कैड के एमसीक्यूज रहते हैं, और ये मोस्टली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं सिविल के, इसके भी एमसीक्यूज रहते कवर हैं। कवर वगैरह पूछ लिया, मिक्स प्रोपोर्शन पूछ लिया, यही सब क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ हाँ सर बिल्कुल सर, और अगर ये टेक्निकल हो गई, इसके तुम्हें एक बार 10 से 5 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे टेक्निकल के, जैसे कि कवर हो गया, जैसे कि आईएस कोड्स के बारे में पूछते हैं कि आरसीसी के लिए कौन सी आईएस कोड है, स्टील के लिए कौन सी आईएस कोड यूज करते हैं, अर्थक्वेक के लिए कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ऐसे सब हो गए क्वेश्चंस टेक्निकल टेस्ट में। और इसमें ही यही टेस्ट में 2nd टेस्ट में उसमें थोड़े कैड के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि समझो कि अगर तुम्हें एक फाइल है, फाइल को तुमने ओपन किया है और तुम्हें आर्किटेक्चर की फाइल उसमें लिंक करनी है, तो फिर उस वक्त तुम कौन सी कमांड यूज करोगे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें 4 ऑप्शन देंगे, तुम्हें अलग अलग कमांड देंगे कि ये आप कमांड यूज करोगे ए बी सी डी, तो फिर उसमें से एक एक जो कमांड होगी वो बराबर होगी, दैट इज अ रेफरेंस एडिट, तो फिर उसको तुम्हें टिक करना है सिर्फ। ये 2 टेस्ट तुम्हारे फर्स्ट राउंड में कवर हो जाएंगे सर, करेक्ट, बहुत जैसे बढ़िया कि सर। हाँ कैट कैट टेस्ट हो गया और टेक्निकल टेस्ट हो गया, ये 2 टेस्ट फर्स्ट राउंड में हो गए। अगर बंदे को इसमें अच्छा स्कोर हुआ तो फिर ये एक एडिशनल पॉइंट होता है ओवरऑल इंटरव्यू के लिए, तो फिर हाँ सर ये फर्स्ट राउंड होगा जिसमें 2 टेस्ट हो गए। तो 2nd राउंड जो होता है वो होता है तुम्हारे टूल टेस्ट होती है। टूल टेस्ट में सर क्या होता है कि वो लोग जो रहते हैं अभी समझो कि कंपनी है जो स्ट्रक्चर का काम करती है, तो फिर वो मोस्टली तुम्हें स्ट्रक्चर का कैड पर बनाने के लिए देगी ड्राइंग्स, जैसे कि बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया। अगर मानो कि वो कंपनी प्रीकास्ट पर काम करती है तो फिर वो प्रीकास्ट के ड्राइंग्स बनाने देगी तुम्हें कैड पर, और वो टाइमर सेट करेंगे कि आधे घंटे में तुम्हें इतना बनाना ही बनाना है। तो फिर वो कैड के टेस्ट में क्या आता है कि मानो कि मान लो कि वो स्लैब का कोई तो ड्राइंग है प्रीकास्ट का, तो फिर वो क्या बताएंगे, वो A4 साइज के पेपर पर ड्राइंग देंगे और फिर वो बताएंगे कि स्लैब को तुम्हें ये वाला लेयर यूज करना है, स्लैब के बॉर्डर को इसके जो जो उसके हॉलो सेक्शंस रहेंगे, अंदर जो हॉलो पाइप्स रहेंगे उसके लिए तुम्हें XYZ कौन सा तो लेयर यूज करना है, वो देंगे उसके कलर भी बताएंगे। तो फिर वो हमको क्या करना है कि जितने भी 4 से 5 लेयर वो कंपनी वालों ने दिए होते हैं, तो फिर उस बंदे को उस 4 से 5 लेयर का एक फॉर्मेट बनाना रहता है कैड पर, तो फिर वो कैड पर अपने लेयर्स बनाएगा, उसको नाम देगा, और फिर उसी लेयर पर बेसिस पर वो कैड पर ड्रॉ भी करेगा, तो फिर उतने मिनट में उसको ड्रॉ ही करना रहता है उतना सब। तो मेन फिर टाइमिंग ये हो गए रहता है। हाँ सर, मेन टाइमिंग रहता है, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहती है इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में। तो फिर ये हो गया उसकी कैड की टेस्ट जो 2nd राउंड में पड़ती है सर, और जो 3rd राउंड रहता है तो फिर वो 3rd राउंड में सर क्या होगा कि उसको उसके जो पहले 2 टेस्ट दिए उसने उसके प्रिंट्स निकालते, जो भी एचआर रहेगा, जूनियर एचआर रहेगा, जूनियर एचआर ही मोस्टली आपको हमको पूरे इंटरव्यू राउंड में असिस्ट करते हैं, तो फिर वो पहले राउंड के जो हमारे जो टेस्ट पेपर्स थे उसके प्रिंट्स निकालते हैं वो लोग, और जो हमने कैड पर ड्राइंग बनाया उसके प्रिंट्स निकालते हैं, प्लस अपना रिज्यूम,
तो फिर इन सब का बंच करते हैं ये लोग, और जो हम टीम लीड के अंडर काम करेंगे उसको ये बंच ले जाकर दिया जाता है, और वो जो टीम लीड रहता है फिर उसका काम चालू होता है हम हमसे सवाल पूछने का। फिर वो जो भी हमने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में किया है उसके बारे में अपने को सवाल पूछने लगता है सर। अभी जाके पूरा डिटेल में गए हो, अब मजा आएगा कैसे, अभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया। अब प्लस उसका ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहेगा, कैट टेस्ट रहेगा, रिज्यूम्स रहेगा तुम्हारे, और उसके साथ जो तुमने हाँ अगर सर, अगर वो बनाया हुआ है अपना क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाया, तो पोर्टफोलियो से प्लस उसकी खुद की रिक्वायरमेंट, सारा क्वेश्चन यहीं सही है करेगा। सर, सही है सर, बिल्कुल ठीक है, सर, अब चलो बात करते हैं एक्सपीरियंस वालों से। ठीक है सर। अभी जब भी कोई बंदा एक्सपीरियंस वाला हो तो मोस्टली उसके पहला जो राउंड होता है वो टोटली स्किप हो जाता है सर। मतलब जो एप्टी का राउंड रहेगा या फिर वो बेसिक टूल के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो स्किप करती है एमएनसी कंपनीज। तो फिर उसका डायरेक्टली होती है टूल टेस्ट पहले, जो जैसे ही जाएगा बंदा वो ऑफिस में एंटर करेगा उसको डायरेक्टली कंप्यूटर पर बिठाया जाता है। अगर बंदा कैड के लिए टेस्ट दे रहा है तो फिर उसकी कैड की टूल टेस्ट होगी, अगर मानो उसकी रेबिट पर इंटरव्यू दे रहा है तो फिर उसकी रेबिट पर टेस्ट होगी। तो फिर अगर कैड का बंदा हो तो फिर उसको थोड़ी डिफिकल्टी लेवल जो रहती है कैड के ड्राइंग की वो थोड़ी सी थोड़ा बढ़ सा जाती है। अब हाँ, अभी उसको सिर्फ एक एलिमेंट नहीं देंगे, जैसा कि स्लैब दे दिया, बीम दे दिया, तो फिर उसको चार पांच एलिमेंट एकदम से देंगे बनाने के लिए, या फिर उनका टोटली जो जनरल प्लान रहता है। अभी मोस्टली जो भी एमएनसी कंपनीज रहती है उनको मोस्टली इंडस्ट्रियल के ये मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो फिर वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बहुत बड़े प्लान रहते हैं सर। वो इतने बड़े प्लान्स रहते हैं कि अपने जो A3 की बड़ी शीट रहती है उस पर भी वो छोटे छोटे लगते इतने हैं। ये क्रिटिकल लगते हैं, क्रिटिकल लगते हैं कि वो देखना मुश्किल हो जाता है, कि ऐसा लगता है कि और बड़ी चीज में इसको देखना चाहिए। तो फिर वो इतने बड़े प्लान्स जो रहते हैं उनमें से उनको डिटेलिंग का काम देते हैं, जैसे कि मानो कि पूरा प्लान दे दिया और वो बताते हैं कि यहाँ पर चलो तुम संक स्लैब कहाँ कहाँ आएगा बता दो, यहाँ पर जो वो प्लान देंगे वो संक स्लैब भी देंगे, वो संक बीम भी देंगे, और ये सब सारे उसमें क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शंस देंगे। वो ऐसा मेंशन करेंगे कि जो ये स्लैब लेवल है और ये स्लैब लेवल है तो दोनों ऊपर नीचे है, और वो 2D प्लान में मेंशन भी करेंगे इसकी लेवल हाई है और इसकी लेवल नीचे है, तो फिर उसका सेक्शन ड्रॉ करने बोलेंगे वो। अगर बंदा उस वक्त पूरा फोकस से रहा, उस टिका रहा उस ड्राइंग पर, उसका पूरा ध्यान होगा उस ड्राइंग पर, 2D ड्राइंग पर, तो फिर वो बहुत आसानी से वो सेक्शन बना लेगा, उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी, उसको समझ में आएगी टॉप ऑफ द कंक्रीट क्या रहता है, बॉटम ऑफ द बीम क्या रहता है, ये सारी उसको चीजें अगर पता हो तो फिर वो सेक्शंस बहुत आसानी से बना देगा। ये डिपेंड करता है कि हर वक्त हमें सेक्शंस ही नहीं देंगे, प्लान्स के भी देंगे, स्टेयरकेस भी बनाने दे सकते हैं, स्टेयरकेस की डिटेलिंग भी बनाने दे सकते हैं, ये पूरे टूल टेस्ट में वो कवर कर लेंगे सर। इसके इसका बाद होगा, सर वो इंटरव्यू राउंड होगा, और इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगी, अपने जो कैड की प्रिंट्स है उसको लेंगे वो, और जो अपना रिज्यूम है उसको लेंगे, और ये सब का बंच करके जो भी टीम लीड के अंडर हम जॉब करेंगे वो हमारा वापस से ये लेगा, इंटरव्यू लेगा। और इसके साथ साथ अगर बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती है कि जिन्हें बंदों का विजुअलाइजेशन चेक करने की आदत रहती है कि ये बंदा कितना विजुअलाइज कर सकता है, तो फिर उस वक्त क्या करते हैं सर, अभी मोस्ट ऑफ मेरी कंपनी में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो ऑलरेडी मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस था, तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरी विजुअलाइजेशन टेस्ट ली, मैं जाते ही विजुअलाइजेशन टेस्ट ली, तो फिर विजुअलाइजेशन में वो क्या बताते, कुछ तो 2D के ड्राइंग्स थे वो, और ये जो ड्राइंग्स रहते हैं हमने ऑलरेडी डिप्लोमा डिग्री जो हमने ग्राफिक्स वाला सब्जेक्ट था उसमें हमने वो मैकेनिकल के जो थोड़ा छोटे थोड़ा छोटे सा मैं पार्ट। इंटरप्ट करूंगा। जो अपने ऑल इन वन में ऑटो कैड का जो सेक्शन है देखा है, उसमें आइसोमेट्रिक है, अगर हाँ देखो सर, राइट सर, वो पूरा का पूरा आइसोमेट्रिक तुम्हारे कंपनी से भी काफी मैच करता है, प्लस काफी कंपनियों में वही सेम टू सेम देखने को मिलता है, उसी से रिलेटेड, कभी राइट लैब सर, दे दिया बिल्कुल कभी सर, ना, इसीलिए मैंने उसको ऐड किया हुआ। और वो कभी एक लड़का पूछ रहा था अभी रिसेंटली नए बैच में कि सर ये हम लोग इसको क्यों बनाते हैं, तो हमने उसको बताया इससे अच्छा विजुलाइजेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर इसको लोग बना लेंगे तो कुछ भी सोच सकते हैं अच्छा क्रिएटिव, तो वो तुमने अच्छा दिलाया। सच्ची में सर, तो ये मैंने हाँ इसलिए सर, ऑल इन वन में उसको ऐड किया फिर था।
हाँ बोलो हाँ बोलो। सर, इसी पर मैं एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ जो आपने बोला। मैं जब लास्ट ईयर में था तो फिर सब में मेरा पहला इंटरव्यू था वो इंडोवेंस में था सर, और हाँ मैंने जस्ट ऐसे ही अप्लाई किया था। तो फिर मैंने ऑल इन वन वाला कोर्स आपका लिया था, तब मैंने वो जो कैड के थे, मैंने सिर्फ सर आपको लिटरली बताता हूँ, मैंने सिर्फ पहले 10 वीडियोस देखे थे, और वो 10 वीडियोस के अंडर ही आपने वो आइसोमेट्रिक का बता दिया है। तो फिर वो जब मैंने इंटरव्यू दिया इंडोवेंस में, तो फिर मुझे ऐसे ही सर उन्होंने आइसोमेट्रिक्स के सेक्शंस ही दिए थे ड्रॉ करने के लिए। तो उनका भी मुझे पता है एक्चुअली इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं रिसेंट जनरली, बट हाँ क्या बोलते हैं उनका भी इंटरव्यू का लगभग राउंड सेम ही है, क्योंकि वो लोग भी एक उनका भी एमसीक्यू होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कैट टेस्ट देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अलग अलग, जैसे कि मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से, उसके बाद लास्ट में उनका भी एक इंटरव्यूअर होता है जो कि इंटरव्यू लेता है, जैसे वो तुमने बोला कि टीम लीड जो रहता है, ये लगभग राउंड उनका भी है। अभी रिसेंट में सही है चेंज किया सर, हो तो अलग बात है, बट राउंड यही रहा उनका भी। सही और है सर। तुम्हारे पीपीएस में भी पहले तो यही था कि जो तुमने बोला एग्जैक्टली यही चीज़ होता था, पहले एक विजुअलाइजेशन ड्राइंग्स बनवा लेते थे, और पहले कुछ समय पहले, अभी तो पता नहीं है, पहले पेपर पर ड्रॉ करवाते थे तुम्हारे पीपीएस में, ठीक है, तो क्या बोलते हैं जहाँ तुम वर्क कर रहे हो पहले वहाँ पर बोलते थे पेपर में ड्रॉ करके दो, तो सेम आइसोमेट्रिक को पेपर में ड्रॉ करने के लिए देते थे। अब चलो अगर कैट का दे रहे तो बहुत अच्छी बात, तब थोड़ा आसान हो जाता है, अब आगे तुमका डे टू हाँ डे सर बनता बिल्कुल सर, हाँ सर सर तो वो जो आइसोमेट्रिक्स के जो ड्राइंग रहते हैं वो मोस्टली जो अपने जो अपना यूनिक्स सिविल एप्लीकेशन है वहाँ पर जो वीडियोस है, तो फिर वो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है कि ग्रूव सेक्शंस है ठीक और एंगल वाले सेक्शंस है, और उनको टी टी ज्वाइन किया है। तो है। फिर हाँ, तो ऐसे ही बिल्कुल सारे ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आए थे। तो फिर वो देते वक्त हमको देते हैं 8 से 9 सेक्शंस, तो फिर उन 8 से 9 सेक्शंस में से हमको 3 से 4 तो बनाना ही पड़ता है आधे घंटे के अंदर। तो फिर ये जो चीज़ है मुझे उस वक्त बहुत काम आई सर। चलो ठीक, मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो ऑल इन वन काफ़ी बेहतरीन मुझे इसलिए लगता है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूँ तो भी, कि मुझे वहाँ पर ऑटोकैड का भी नॉलेज मिल जा रहा है, रेविट का भी मिल जा रहा है, स्टैट प्रो का भी नॉलेज मिल जा रहा है, मतलब हमको स्ट्रक्चर्स के भी कॉन्सेप्ट, और प्लस तुमने देखा ही होगा कि हम सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, पहले रेरा पढ़ो तब राइट रेरा के रूल्स को यूज करो, पहले वास्तु पढ़ो फिर वास्तु के सही है रूल्स को सर, अप्लाई करो, और ये तुम्हारे भी सही है सर, कंपनी में भी ये देख हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट का बड़ा ज़्यादा यूज करते होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेटर है, क्या चलाओगे कैलकुलेटर में जब पता ही नहीं है, तो ये चीज़ हमें चाहिए कि सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्सेप्ट्स को सीखे, और जो तुमने डेफिनेटली तुम्हारा तो मैं तुमसे मुझे मेरी बात हुई थी जब लास्ट टाइम, तो तुम शायद पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्या, मुझे अगर याद आ रहा है तो तुमने पोर्टफोलियो बना रहे थे ना, ऐसा कुछ हो रहा था कि शायद, मुझे याद नहीं है तुमने हाँ फौरन सर, राइट बताया सर, है ना, तो हाँ तुमने सर, वो उस वक्त क्या हुआ था, मैं पोर्टफोलियो बना रहा था हाँ और मेरा पहला इंटरव्यू था, तो हाँ फिर मैं उस वक्त बहुत कंफ्यूज था, और मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ वगैरह, मुझे कैड में जाना चाहिए या फिर बीम में जाना चाहिए, रैबिट में करना चाहिए, मुझे कुछ करियर का समझ नहीं रहा था। तो फिर मतलब उस वक्त आपने बहुत मुझे गाइडेंस दिया कि तुम जो भी मिले उससे स्टार्ट करो, एटलीस्ट एंटर करो, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत फ्रेशर था। हाँ तो फिर मैं आपके YouTube के बहुत सारे वीडियोस पहले देखता था, उससे मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होती थी, क्योंकि पहले बहुत सारे जब मैं जस्ट बी किया था तो फिर फुटिंग के बारे में क्या है और डिटेलिंग क्या रहता है, तो फिर उसके बारे में जो भी वीडियोस है, मैं बहुत मतलब हेल्पफुल हुआ था मुझे इंटरव्यूज के लिए वगैरह। और सर मैंने क्या किया था, जब मैं जॉब सर्चिंग में था तो मैंने ऐसे ही आपका ऑल इन वन वाला कोर्स परचेस किया था। तो हाँ फिर मैंने उस वक्त मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था सर, मैं हाँ सिर्फ कैड की प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर मैं कैड की प्रैक्टिस किया, लेकिन जो मेन पार्ट होता है जो मुझे बहुत सारा यूजफुल हुआ वो ऑल इन वन वाले कोर्स है, तब हुआ। मैंने कैड का तो कोर्स सिर्फ किया, मैंने कैड के सिर्फ लेक्चर्स किए थे और मैंने ज्वाइन कर दिया कंपनी, मेरा क्रैक हो गया इंटरव्यू, जो पहली वाली मैंने आपको बताया था हाँ सर, इक्वीकॉम थी वो। हाँ तो फिर उस वक्त क्या हुआ, जब मैं वहां पर 6 महीने के लिए जॉब किया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अभी थोड़ा डिजाइन भी सीखना है, तो फिर उस वक्त मुझे वो से ई टैब्स के भी लेक्चर्स बहुत काम आए सर, हाँ
मैंने ई टैब्स के भी उसमें से लेक्चर्स देखे, और वो उससे क्या फायदा हुआ कि मैं कंपनी में जो भी छोटे मॉडल्स आते थे, समझ लो कि G+2 वाले, G+3 वाले, तो फिर ये जो डिजाइनर्स रहते थे मैं उनको मॉडल बना के देने लगा। तो अरे वाह, फिर हाँ सर, और ये सिर्फ आपको बताता हूँ, सिर्फ मैंने पहले 7 से 8 वीडियोस में ही पूरा बेसिक मॉडल जो है वो सीख चुका था, उसमें कैसे बनाते हैं, उसमें फ्रेमिंग्स कैसे बनाते हैं। और सर आपकी एक खास बात मुझे बहुत पसंद आती है कि आप क्या करते हो, जो पहला वीडियो रहता है उसमें ओवरऑल पूरा बेसिक बता देते हो सर, इससे ओवरऑल पूरी क्लैरिटी मिलती है बंदे को कि उसको थ्रू आउट कोर्स क्या करना पड़ेगा। हो कि बहुत ओवरऑल बड़ी सी बात को एकदम सिंपल करके फर्स्ट स्टेप जो देते हैं उससे पूरी क्लियर आइडिया मिलती है सामने वाले बंदे को कि उसको ओवरऑल क्या सीखने मिलेगा और उसको करना क्या है। फिर ये जो क्लैरिटी है पहले 2 3 वीडियोस में क्लियर हो जाते हैं। और फिर अगर मेरी बात की जाए तो फिर वो कंपनी में मैं मॉडल्स बना के ले देने लगा, तो फिर वहाँ के जो सर सर थे तो फिर वो बताए कि अच्छा चलो तुम मॉडल भी बना लेते हो तो फिर तुम लोड भी अप्लाई कर लो। तो फिर मुझे उस वक्त समझता नहीं था क्योंकि मैंने आगे की वीडियोस नहीं देखी थी, तो फिर मैं रूम पे आता था शाम में, वीडियोस देखता था कि लोड्स कैसे अप्लाई करते हैं। और उस वक्त क्या होता था ना सर कि आप बताते थे कि लोड से चलो ऐसे अप्लाई करते हैं, लाइव लोड ऐसे देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी बोलते हैं कि ये आईएस कोड में कौन से पेज पर है और ये कौन सा टेबल उसको रेफर करना है। तो फिर ये जो छोटी छोटी चीजें रहती थी ना ये बहुत काम करती थी कंपनी में। तो फिर मैं वो चीजें सीखता था शाम में घर पे आके और दूसरे दिन ऑफिस में जाके उसको अप्लाई करता था। तो फिर उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा फिर डिजाइन के फील्ड में भी मूव होने लगा, मुझे डिजाइन में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, वहां से मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने लगे। लेकिन कुछ सर्टन कंडीशंस की वजह से मैंने वो कंपनी छोड़ दी। तो फिर वापस मैंने सर पीपीएस ज्वाइन किया अभी, तो फिर वो 1 साल हो गया लगभग पीपीएस ज्वाइन करके, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। तो फिर सर जब मैं पीपीएस ज्वाइन किया तब मैंने एज अ कैट डिटेलर करके ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे कैट का ही एक्सपीरियंस था, और बड़ी कंपनियों में मोस्टली ऐसा माना जाता है कि डिजाइन में अगर जाना है तो फिर थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है अगर डिजाइन के इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एज अ कैट डिटेलर ही ले लिया। तो फिर मुझे तो एक्सपीरियंस था ही पहले से, पहली वाली कंपनी में कैड के लिए, तो फिर मैंने वहां पर 7 से 8 महीने कैड पर काम कर लिया। लेकिन सर उस कंपनी में ऐसी सिचुएशन आ गई कि रेविट की रिक्वायरमेंट्स निकल गई वैकेंसीज, तो फिर उसी वक्त मेरे पास तो ऑल इन वन वाला कोर्स तो परचेस था ही पहले से, तो फिर उस वक्त मुझे रेविट का बहुत काम में आया अरे सर। वाह, मैंने सब में क्या किया फायदा कर गया। हाँ सर, मैंने तुरंत क्या किया, मैंने रेविट के लेक्चर्स देखने चालू कर दिए, और मुझे बीच में रेविट के लेक्चर्स देखते वक्त जो भी प्रॉब्लम आती थी वगैरह मैं आपको डायरेक्टली फोन करके पूछता था। तो फिर मुझे ओवरऑल अभी अगर मानो कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर डिजाइन में क्या होता है चीज वो मुझे पता है, रेविट में क्या होते हैं, बीआईएम में क्या होती है, और कैड का क्या रहता है, ये ऑल इन वन वाले कोर्स से मुझे ओवरऑल सब पता चल गया सर। तो अच्छा है। नहीं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वो एक अच्छा कोर्स है, और इस तरीके मतलब अगर मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट देखूँ तो मुझे लेना चाहिए और मुझे लेके उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे हाँ लिए हर सर जगह, देखो तुम्हारे हर तीनों प्रोफाइल में उसने थोड़ा थोड़ा रोल प्ले कर दिया। ठीक है, बिल्कुल और सर ठीक है, और मुझे जो याद आ रहा है कि तुमने जब कॉल किया था तो मैंने यही बोला कि यार पहले एंट्री कर लो। ठीक है, क्योंकि जब एंट्री नहीं सही है रहता लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन टाइप का होने लगता है। पहले प्रोफाइल मत देखो, पहले एंट्री करो, स्टेडियम के अंदर आ जाओ, और आगे अब तुमने देखो उसके बाद अपने अपने आप करियर धीरे धीरे मूव करते करते अभी तुम यहाँ पर आ गए हो, और आगे और भी लंबी उछाल तो होनी ही वाली है, नो डाउट। ठीक है, और बिल्कुल सर सबसे बड़ी बात अफगान, एज ए टीचर मैं तुमको ये बोलूंगा कि हमको रुकना नहीं है। ठीक है, और सीखते रहना है। बिल्कुल सर ठीक है, और सीखते रहना बिल्कुल है अपडेट सर डे पे। हमें कैसे कि मैं कैसे लिखता हूँ, मैं हर दिन लिखता हूँ कि मैंने आज क्या सीखा। ठीक है, मेरे पास हमेशा डायरी रहता है, बच्चों को पता है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको पता है कि क्लास लेते समय भी मैं डायरी लेकर रखता हूँ, कुछ भी नया सीखा तो लिख लेता हूँ। और वो नया जरूरी नहीं कि मैं खुद पढ़ूँ, ठीक है, मैं तुमसे भी अगर सीखा कुछ नया तो भी मैं लिख लेता हूँ। अभी एक लड़का मुझे कल बड़ा अच्छा सो वास्तु का रूल बताया, मेरे को वो रूल नहीं पता थे, मैंने उसको रूल को लिख लिया, तो क्या हो गया, लर्निंग का सर वे। आवाज कट हो रही है शायद। आवाज़ अपनी कट हो रही है क्या? हाँ सर आपकी कट हो रही है शायद।
ओके, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू होगा। चलो फिर तुम ही बोलो, ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम्हारी आवाज़ आ रही है। अब अभी अच्छा, अभी ये बस थोड़ा सा एक और टॉपिक बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसको समरी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों का धैर्य अब खत्म हो गया। रील देखते देखते लोगों को यही आदत हो गई है। तो अब ये बताओ हाँ कि, सर, बिल्कुल सर। और ये थोड़ा सा सर वो मुझे, रील से क्या होता है ना सर, कि हाँ अगर बंदा समझो कि पहले के जमाने में देखो ना सर, कि हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते थे, तो फिर मूवीज में हम तीन तीन चार चार घंटे टिके फोकस, रहते थे। उससे भी पहला अगर हम देखे कि मूवीज एंसिस्टर्स थे सर, तो फिर एंसिस्टर्स के जमाने में नाटक हुआ करते थे, तो फिर वो नाटक तो सर आधा आधा दिन तक चलते रहते थे। उससे अब उतना देर तक उनका फोकस रहता था जो भी देखने वाले बंदे होते थे। फिर वो बंदे आ गए अभी 3 घंटे पर, मूवीज तो 3 घंटे देखने लगे। उसके बाद आ गए वो बंदे यूट्यूब पर, मतलब वो ठीक है चलो कि यूट्यूब बहुत नॉलेजेबल चीज है, 15-20 मिनट के लिए तो एटलीस्ट फोकस रहता है अपना, लेकिन अभी तो बहुत सर 15-15 सेकंड के लिए भी लोगों के फोकस नहीं टिक पा रहे हैं। और ये बहुत गंदा है। मैं तो बताऊं कि मैं मतलब रील्स को बहुत गंदा अवॉइड करता हूँ। मेरे तो सिर्फ यही दोस्त है, मैं हाँ तो सर, ये लेके बैठा रहता हूँ। मैं सुबह से शाम तक मैं इन्हीं को दोस्ती से इन्हीं से नापता हूँ, और इनसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे तुम्हारा फोकस बहुत मेंटेन रहता है, प्लस मेमोरी बहुत शार्प होती है जब तुम बुक पढ़ते हो। और विजुलाइजेशन कितनी बढ़िया स्ट्रांग होती है कि मैं हर एक लाइन को जब पढ़ते हो तो सोचना पड़ता है, अच्छा ऐसा रहा होगा। ठीक है, प्रेमचंद की कोई कविता, सही है कोई सर। कोई मतलब मैं तो मतलब दिन भर यही करता हूँ। मेरे को जब भी टाइम लगा बुक पढ़ना है, ठीक है, और बुक पढ़ के जो अच्छा लगा इसमें लिखना है, ठीक है। तो कुल मिला के राइट सर, हमें बिल्कुल सर। ये चीज़ तुम्हें भी मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक। वैसे तो एक हमारे तरफ से तुम्हें बुक जाने वाली है, ठीक। जो भी लोग पॉडकास्ट हमारे ज्वाइन करते हैं एज अ गेस्ट, तो उनको हमारे तरफ से एक बुक रिकमेंड मतलब जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो तुम्हारे पास भी वो बुक जाने वाली है, पढ़ना अच्छा लगेगा तुमको भी। और क्या थैंक बोलते हैं, वो यू हमारे तरफ सर। छोटा सा गिफ्ट रहेगा। अब टीचर गिफ्ट क्या दे सकता है, उसके लिए तो सब कुछ किताबें ही हैं। सर ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है तो मेरे लिए। क्या बोलते हैं, और दूसरी चीज, पूरे अभी 2 साल की जर्नी में आपसे बहुत सर कुछ मिला है मुझे, चलो थैंक उसके मुकाबले में बहुत कम कम है मेरे तरफ से। यू। नहीं, तुम्हारे दोस्तों बहुत है, तुमने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर किया। सबसे अच्छा मुझे लगा जो तुमने इंटरव्यू के राउंड्स एक्सप्लेन कर दिए लोगों को। अब क्या इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा एक चीज और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जब तुम अप्लाई कर रहे होगे तो सारी टीवी कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होगा, तो लगभग कितने कंपनी सर में अप्लाई आपकी कर। आवाज कट हो रही है शायद। अरे यार अभी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आवाज कट रही है तो बिल्कुल नहीं आ रही आवाज एकदम से, या फिर कट क्या आ रही है। हाँ, बहुत कटती है सर, बीच में 2-3 सेकंड के लिए कट जाती हाँ है। ठीक है, अभी देखते हैं और लास्ट उस पे चलते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है तुम्हारे साइड या मेरे साइड से। चलो अभी आ रही है क्या आवाज, हाँ सर अभी क्लियर है ठीक। बस थोड़ी। थोड़े से दो तीन कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। एक डिस्कस करना है कि तुम अप्लाई कैसे करते हो, उस समय क्या चीज का ध्यान देते हो, पहले इसके बारे में बता दो। सर अप्लाई करते वक्त अगर फ्रेशर बंदा रहा तो उसको सबसे ज्यादा तो ध्यान देना है कि उसकी पोर्टफोलियो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और उसको टूल का नॉलेज होना ही होना चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो तो फिर उसको उसने क्या किया है उसके 1 साल के एक्सपीरियंस में, 2 साल के एक्सपीरियंस में, उसको पूरा डिटेल एक और एक चीज उसको पता होनी चाहिए कि उसको क्या, क्योंकि इंटरव्यूअर मोस्टली एक्सपीरियंस बंदों को वही चीज पूछते हैं जो उन्हें ऑलरेडी कर चुके हैं। कर चुके हैं, तो फिर हाँ, तो फिर अगर मान लो कि वो बंदे ने पीवी का प्रोजेक्ट किया है तो फिर उसको पीवी के रिलेटेड ही पूछेंगे, आरसीसी का किया है तो उसको आरसीसी के रिलेटेड ही पूछेंगे। अगर सर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने पहले वाले 1 साल के एक्सपीरियंस में क्या किया है, तो फिर उस वक्त अभी तक क्या क्या किया है उन्होंने, और ये पूरा उनको बहुत काम में आएगा क्योंकि इंटरव्यू वही पूछेंगे, तो फिर वो अगर वो सही से जो किया है वही उन्होंने वो लोग सही से बताएंगे तो उनको बहुत काम आएगा सर। अगर अप्लाई करने की बात हो गई सर, तो फिर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि उनको डायरेक्टली जो करियर पेज रहता है कंपनी का, मान लो करियर पेज है, वहां पर उनके ईमेल आईडीज रहते हैं, तो फिर वहां से वो ईमेल आईडी लेकर अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड बात होती है सर रेफरल, रेफरल भी बहुत काम आती है सर, क्योंकि अभी समझ लो सर कि मुझे पीपीएस में जब इंटरव्यू था तो मैंने सबसे पहला कॉल आपको किया था कि सर, क्योंकि आपके जो मोस्टली बंदे हैं ना वो
मुझे तो लगता है सर कि सिविल की हर एक कंपनी में आपका बंदा मिलेगा ही मिलेगा। डिजाइनिंग और बीआईएम में जरूर मिलेगा। हाँ, डिजाइनिंग और बीआई में जरूर मिलेगा। तो उस वक्त मैं जब पीपीएस में आपको कॉल किया कि सर मुझे ऐसा ऐसा शॉर्टलिस्ट हो गई है प्रोफाइल, तो फिर उस वक्त आपने मुझे वहां पर जो ऑलरेडी बंदा जो इंटरव्यू दे चुका था, तो फिर उसका मुझे कांटेक्ट आपने कर दिया डायरेक्टली। तो फिर आपके जैसे जो बड़े रेफरेंस है वो सर बहुत काम में आते हैं नहीं, मेरे मैं तो बड़ा नहीं हूँ, बट क्या बोलते हैं, मेरे कौन से होता है, तुम लोग की वजह से मैं सर बड़ा हूँ, हमारे लिए बहुत। ठीक है, तुम लोगों हाँ की वजह सर, से। क्योंकि अभी कैसे होता है कि मुझे कोई पूछता भी, देखो मैंने कोई कुछ एक क्वेरी थी मेरी, तो मैंने प्रेसिजन का नाम आया तो मैं सबसे पहले तुमको मैसेज किया हुआ था उस रिलेटेड, बाद में सॉल्व हो गया क्वेरी, तो अपन उसको यहाँ पर नहीं मैटर को करते। लेकिन जनरली क्या होता है कि तुम लोग जब अच्छा करते हो ना, अभी एक कंपनी है क्या बोलते हैं गुड़गांव में है, नाम उसका भी नहीं लूंगा, तो उस कंपनी में अपने बच्चे गए इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर 6 लोग काम कर रहे थे अपने जो गुरुकुल बैच चल रहे उसके 6 लोग, तो बोलता है ये है कौन यूनिक सिविल, ठीक है, वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, तो बोलता मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा। बिलीव करो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, उसने बिना इंटरव्यू को सिलेक्शन दिया उसको, ठीक है, बोलता मुझे पता है तुम पढ़ के आए हो ये चीज जो मैं पूछने वाला हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि सिर्फ नाम से उन्होंने सिलेक्शन दिया। पता नहीं आवाज में जा रही है कि कट रही है आवाज। हाँ नहीं सर, अभी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी रिसेंटली एक लखनऊ में एक कंपनी थी, उसमें क्या हुआ कि एक लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पर और भी लोगों ने, फिर दूसरी ओपनिंग्स निकली तो और भी ओपनिंग लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। बिलीव करो, लिटरली वहाँ के एक एम्प्लॉई ने मुझे बताया, वो एम्प्लॉई मेरा रिलेटिव बोल सकते हो, मतलब भाई है, तो उसने बोला कि उसमें उन्होंने देखा कि ये यूनिक सिविल की ओपनिंग्स है, मतलब यूनिक सिविल से आया हुआ है, वहाँ से अप्लाई किया, और बिलीव करो शॉर्टलिस्ट कर लिया उसने। वो बोला पहले इसको बुला लेते हैं। तो ये रेपुटेशन मैं नहीं बनाता हूँ, ये रेपुटेशन तुम बनाते हो। अगर तुम खराब काम करोगे तो रेपुटेशन डाउन भी होता है, और वैसे टचवुड की अभी तक सब अच्छा ही किए हैं, तो इसलिए ये हाँ अपन सर, कर रहे हैं। सर लेकिन ये जो चीजें हैं ना, हमें मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ सर कि ये चीजें होती कब है। मान लो कि मैं जब आपके लेक्चर्स देख रहा था, मैंने तो रिकॉर्डिंग वाले लिए थे लेक्चर्स, तो फिर उस वक्त ना आप जब भी लेक्चर्स का एंड होता है तो आप एक होमवर्क देते हो कि ये होमवर्क करना ही करना है, और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर रहता है कि आप ज्यादा फोकस उन बच्चों पर करते हो जो जिसने होमवर्क करके आया है, तो फिर इसके वजह से है ना, मतलब सर आ रहा है, आ रहा है, हेलो। हेलो सर, आ रही है हाँ मेरी हाँ आवाज? हाँ एक्चुअली मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा। हाँ, तो ज्यादा होमवर्क जिस करता है, सच बात में उसे फोकस करता हूँ, आगे बताओ। हाँ सर, मतलब उस पर है ना आप, मतलब उसके जो भी ये ध्यान है उस पर वो बहुत अच्छे से देते हो, तो फिर कुछ बंदे रहते हैं मतलब बिल्कुल होमवर्क नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, जो भी असाइनमेंट्स नहीं टाइम टू टाइम करते हैं, उनको सर ऑटोमेटिकली ये चीजों से ये हो जाते हैं मतलब कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो मैंने एक हाँ नया नियम कर दिया, अभी के लिए जो अभी करंट बैचेस में कर दिया है, तो उसमें ये कर दिया है कि अगर आप 80% से कम अटेंडेंस मेंटेन करते हो तो मैं आपको अपना स्टूडेंट नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सीखेंगे ही नहीं, फिर उनसे अपने सही रेपुटेशन है। डाउन होगी, उनको मैं सर्टिफिकेट भी नहीं देता हूँ। अगर 80% नीचे अटेंडेंस है मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, तब क्या होगा, दूसरी बैच में बिल्कुल पढ़ो, सर, 80% अटेंडेंस मेंटेन करो, तब लेके जाओ। तो ये मेरे सही को है सर, अच्छा लगता बिल्कुल। है कि अब 80% जो अटेंडेंस देगा वो क्या होता है, अफगान ऑलरेडी सीख लेता है, तो कहीं सही जाएगा है, तो इमेज नहीं खराब करेगा वो, राइट सर। ठीक है। एक दिन एक लड़का था, वो ऑल इन वन का ही स्टूडेंट था, तो उसने मुझे फ़ोन किया, सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए हर सॉफ्टवेयर का, मैंने अभी अभी जस्ट आपका सॉफ्टवेयर लिया, अभी मतलब सॉरी 1 हफ्ते पहले आपका कोर्स लिया हुआ है। तो मैंने बोला मैं ऐसे तो देता नहीं, पहले आपको हर सॉफ्टवेयर पे दो दो प्रोजेक्ट्स करके दिखाओ, और प्रोजेक्ट भी टाइम पास वाले नहीं होने चाहिए, प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो अब बोलता है कि सर हर जगह पे तो कोर्स लेने के बाद वहाँ पर सर्टिफिकेट दे देते हैं। मैंने कहा ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये अपना रेपुटेशन बनाना भी है, बिगाड़ना भी है, ठीक है। अगर तुम अच्छे से सीख के जाओगे हमारे पास से, तो काफ़ी देर तक बहस किया वो, मैं समझ गया थोड़ा सा कैसा होता है, हर किसी का अपना लेवल होता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने कहा कर लो जो करना हो, ठीक है। बोलता है सर मैं जाके रिव्यू डाल दूंगा किएगा, मैं कहा कर लो, ठीक है, सबको पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो सच्चा है वो बिल्कुल सच्चा है, सर, उसको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर सर, वो अपने आप उसको सही समझ है, में आ गया। मैंने बोला तुम अभी मुझे सीख के अभी 2 फाइल भेजो, मैं तुम्हारा, अगर तुम्हें अर्जेंट है मैं अपना काम रोक के तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा के भेजूंगा, लेकिन सीखो तो, तुम्हारे पास कागज का सही एक है सर, सर्टिफिकेट है, ईटैप सीख चुके हो और ईटैप का फुल फॉर्म नहीं आ रहा है,
ठीक है, स्टेट सीख चुके हो, स्टेट प्रो में कैसे मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे पता नहीं, तुम काहे के सीखे हो, हमारा भी नाम डुबाओ अपना भी डुबाओ, मैं नहीं देता हूँ फिर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इससे क्या सही है होता है, सर। इससे क्या होता है अफगान कि अब वो बाहर जाके उसको बोलने में डर लगेगा कि मैं वहाँ के स्टूडेंट हूँ कि नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है। ठीक है, तो सही ये, है बिल्कुल ठीक है, सर। तो ये मैंने थोड़े से, कैसे होता है कभी कभी ना कुछ अच्छा करने के, माँ बाप हमारे डांटते क्यों है, हमारे अच्छे के लिए तो डांटते हैं ना, तो मुझे भी कहीं ना हाँ कहीं सर टाइट होना पड़ता है सिर्फ आपके कैरियर के लिए। उसमें मेरा क्या है, बस यही है कि आप मेरा रेपुटेशन थोड़ा बना दोगे और थोड़ा सा आपको भी एट द एंड, जैसे तुमको अभी अच्छा लग रहा है ना कि हाँ यार मैं सही जगह सही पर्सन से बात किया था, मेरा काम सही हुआ, बिल्कुल वो सर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल लास्ट सर कम में मिलता है। उस समय हो सकता है उसको झल्लाहट हुई होगी, कैसे आदमी यह सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, क्या बोलते, मैं थोड़ा से मैंने उसको बोला कि यार तुझे चाहिए तो तू अपना कैंसिल कर ले कोर्स, मैं नहीं दूंगा जब तक सीख नहीं आएगा, हर कंडीशन दे दिया उसको, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी पड़ जाता है कभी कभी। बिल्कुल चलो, सर। अच्छा अभी एक ये और लेकिन लास्ट, ये जो बातें रहते हैं ना हाँ सर, ये हमें बहुत आगे लेके जाती है। करेक्ट, ठीक है, अभी जैसे कि अपने को सुबह उठना एक गंदा लगता है ना, बट सुबह उठने से कितना ज्यादा फायदे होते हैं वो तुमको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। बिल्कुल चलो, सर तो एक चीज मुझे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, तुम अभी प्रीकास्ट में भी काम कर रहे हो? प्रीकास्ट में जो प्रोजेक्ट्स है सर उनकी टीम अलग है। अलग है, मैं अभी स्टील में काम करता हूँ सर, अच्छा पूरे ठीक है, स्टील के स्ट्रक्चर में। हाँ, तो मैं, और लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना चाहेंगे, मैं बता दूं कि अभी जो अफगान काम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर है, ठीक है, बीम में ही स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर है, ये आर्किटेक्चर मॉड्यूलर नहीं है, तो हमारा जो ज्यादातर कन्वर्सेशन हुआ है स्ट्रक्चर की तरफ हुआ है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार यहाँ पर आर्किटेक्चर का कुछ नहीं, तो आर्किटेक्चरल मॉड्यूलर अलग रहते हैं, स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर सर अलग आवाज रहते कट रही है आपकी। हैं। ठीक है, अभी चलो इसको इंड कर दिया जाता है क्योंकि आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क इशू है, और मुझे तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम्हें मेरी आवाज कट रही है, बट ठीक है, एट द एंड बोलो बोलो, कोई बात नहीं, अब जाने दो, अभी तो अपना हो चुका है, लगभग लगभग इंड हम तो पहुंच चुके हैं, बट अच्छा लगा अफगान, तुमने काफी इसको शेयर किया, मुझे तो बहुत सही लगा। अब तुम कुछ कहना चाहोगे सही स्टूडेंट को तो लास्ट अपना कह सकते हो, फिर हम लोग इसको विराम देते हैं। सर, मैं तो सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें, क्योंकि मोस्टली सिविल के जो बंदे रहते हैं वो मोस्टली बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करना क्या है, तो फिर इस वक्त जब भी तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर मैं मेरा रोड मैप बताता हूँ कि मैंने ऑल इन वन वाला कोर्स ले लिया, तो फिर उस ऑल इन वन वाले कोर्स से मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि मुझे एक्चुअल में जाना किधर है। क्योंकि उसमें सिर्फ आपने जो ऑल इन वन वाले जो टूल्स के जो वीडियोस है उसमें सिर्फ आपने टूल्स के बारे में नहीं समझाया सर, आपने उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है जो हमने डिग्री में पढ़े हैं उसके बारे में बताया है। तो फिर मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि वो कोर्स ले लो। और मैं तो बताऊंगा कि ये जो प्राइस सर ने रखी है कोर्स की वो बहुत सर कम है। और आप, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप जो कर रहे हो बच्चों के लिए वो सर, मतलब कोई ऐसा सिविल की इंडस्ट्री में ऐसा कोई क्लास नहीं है जो इतने कम प्राइस में इतने अच्छे क्वालिटी का दे रहा है, तो फिर सच्ची में। और मुझे तो लगता है कि वो आपने एज अ मतलब इतनी कम प्राइस कॉम्प्लीमेंट रखी है कि वो वो, मेरी लाइफ एज टाइम, लाइफ टाइम एक्सेस लाइफ टाइम एक्सेस है वो भी। लिटरली मैं 2 साल से उसको यूज कर रहा हूँ और मुझे अभी भी यूज हो रहा है वो। मैं अभी भी जो भी मुझे अगर रेविट में वगैरह अभी जो रेविट की जॉब प्रोपोजिशन हो इसलिए रेविट का अगर देखता हूँ तो फिर मुझे वहां से भी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो फिर वो इतना बढ़िया है ना सर कोर्स कि मैं बहुत यूजफुल होकर के ले रहा हूँ उसका। उसका प्रॉफिट बहुत मुझे आ रहा है। तो फिर मैं बंदों को बोलाऊंगा कि तुम अगर कंफ्यूज हो तो फिर गो विद दिस। अगर तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं है तो फिर तुम एक कोई तो पाथ ले रहे हो, तो फिर तुम्हारे, तो मैं बोलूंगा कि तुम लर्न करते रहो, सॉफ्टवेयर सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। अगर तुम कॉन्सेप्ट और पूरे अगर टूल्स तुम्हारे परफेक्ट होंगे तो तुम कोई भी पॉलिटिक्स हो कंपनी में तो तुम पीछे नहीं पड़ोगे, आगे ही बढ़ोगे कितना भी कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो बंदा ऐसा सामने आ ही जाएगा, आ जाएगा, जो मैनेजर्स रहते हैं जो टीम लीड्स रहते हैं उनके सामने आएगा ही आएगा वो बंदा। तो फिर स्टडी करते रहो, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, कि उनके बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि उनके करियर का कैसा स्टार्ट करना है वगैरह। तो फिर मैं चाहूंगा कि आकाश सर जो है ये बहुत बेस्ट गाइडेंस, मुझे मुझे तो उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया है। तो फिर मैं भी नहीं, ऐसा अभी कहना अभी चाहूंगा अभी कि गाइडेंस का कुछ प्लेटफॉर्म भी भी, दे दिया है, हाँ सर
अभी अभी एक चीज कर दिया है कि बिल्कुल आप सैटरडे को जिसको भी गाइडेंस लेना है, ग्रुप दे दिया है, उस ग्रुप में आइए, अपने क्वेश्चंस को पूछ लीजिए, अपने करियर से रिलेटेड जो पूछना है हर सैटरडे को कर दिया है, ठीक है? तो मतलब कि अभी टेंशन अच्छा नहीं है, कोई भी आके जिसको भी प्रॉब्लम है कुछ भी आके पूछ सकता है, बस ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, आके पर्सनली पूछ ले, जैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं इसी तरीके से बात करके क्लियर कर ली चीज़ों को, अभी से ज़्यादा क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। हाँ ना सर, बिल्कुल सर। सर ये जो कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट रहता है ना, इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनके एक तो दिमाग में बहुत सारे जो क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा भाग रहते हैं पजल हो जाता कि है। क्या करना है। हाँ, जंबलिंग करके लेते हैं वो। तो फिर उस वक्त मैं तो उनसे बोलूंगा कि तुम डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट करें, आपको पूछे जो भी उनको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो उनके करियर के रिलेटेड, तो फिर वो जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके आगे बढ़े स्टूडेंट्स। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और अगर बीम में करियर बनाना है तो फिर मैं सब कहना चाहूंगा कि उनको बीम एक ऐसी पोस्ट है सर जहाँ पर मैनेजिंग बहुत काम आती है, मैनेजिंग काम आती है, तो कम्युनिकेशंस भी अच्छे होने चाहिए, और जो अपने कॉन्सेप्ट्स आकर क्लियर रहे तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर मोस्टली जो ये बीम का जो पूरा स्ट्रक्चर है सर ऑफिस में, इसमें क्या रहता है, 7 से 8 बंदे मिलके काम करते हैं, तो फिर अपनी जो इंडिविजुअल प्रायोरिटी है उसमें दिखा के देना, ये बहुत मतलब बड़ी चीज रहती है इसमें, कि उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए उस चीज में वो 7ों बंदों के साथ। तो फिर मतलब ऐसा ये नहीं कि बात कर रहे हो और हम दूसरा ही कुछ ख्याल में है, पूरा फोकस रहना चाहिए फोकस उनके बातों में, ये सारे चीजें बहुत मतलब ध्यान में रखनी चाहिए एज अ बीम मॉडलर अगर उनको करियर बनाना है तो। करेक्ट। बहुत थैंक यू अफगान, पहली बात तो, और दूसरी चीज़, 1 घंटे जो हम लोगों ने कन्वर्सेशन किया है, अगर सही से कोई फोकस किया होगा तो उसको बहुत कुछ लर्निंग मिल गई होगी। तुमने सारे टेक्निकल राउंड डिस्कस कर बिल्कुल लिया, ठीक है, हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया। बाकी किसी और को कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा, आपको अफगान के साथ कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो बताइएगा, तो हम लोग फिर भी कोई कल बिल्कुल मीटिंग सर, और अरेंज कर सकते हैं, फिर कभी एक दिन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे इनका भी ऑफ रहता है, मेरा भी ऑफ रहता है, तो हम लोग कभी भी मीटिंग्स कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सर, ठीक है? चलिए, थैंक यू अफगान, और क्या बोलते हैं, आप थैंक यू मुझे सो मच एक सर। क्या बोलते हैं, छोटा सा फोटोग्राफ भेज दीजिएगा थंबनेल के लिए, और एक छोटा सा क्या बोलते हैं अपना वो एड्रेस भेज दीजिएगा, ऑफिस का या फिर घर का, तो आपका जो छोटा सा गिफ्ट है वो पहुँचने के लिए, बस थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, ओके, चलो इसी बहाने हम लोग बहुत अच्छा इतने लगा इतने देर तक बात हो गई हम लोग को, और सर। ठीक है, मुझे कब चलो 1 घंटा निकल गया कुछ पता ही नहीं पता ही नहीं चला। चला, मैं और लंबा कर देखता था, लेकिन नेटवर्क जब गड़बड़ हो रहा है ना, तो फिर मुझे लग रहा हाँ है सर, कि सही नहीं है, इसको यहीं पर अल्प विराम किया जाए, ठीक है? ठीक है चलो, सर। ओके जी, चलो।